दोस्तों, इस पृथ्वी पर हवा यानी ऑक्सीजन के बिना जीवन असंभव है। ऐसे में इस धरती पर सबसे ज्यादा शुद्ध वायु यानी ऑक्सीजन की पूर्ति करता की बात करें तो इस लिस्ट में अमेज़न जंगल का नाम सबसे ऊपर आता है। ऐसा इसलिए क्योंकि यह दुनिया का सबसे बड़ा वर्षावन होने के कारण सालों भर हरा भरा रहता है, जिसे चिरहरित वन या सदाबहार वन कहा जाता है, यानी कि एवरग्रीन फॉरेस्ट कहा जाता है। और धरती पर मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड सोखकर शुद्ध ऑक्सीजन छोड़ता है। पृथ्वी पर मौजूद ऑक्सीजन का 20% सिर्फ अमेज़न जंगल से ही प्राप्त होता है, जिसके कारण आज हम शुद्ध हवा में सांस ले पा रहे हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आज से करोड़ों साल पहले आई एक महाविनाशक आपदा ने धरती पर मौजूद कई मासूम जीवों को खत्म कर दिया था? और वहीं दूसरी ओर इसी महाविनाश के फलस्वरूप आज का धरती का फेफड़ा कहे जाने वाले अमेज़न जंगल का जन्म हुआ, जो मानव जीवन के लिए किसी वरदान से कम नहीं। वैसे तो पृथ्वी की ये अकेली महाविनाशक घटना नहीं है। पृथ्वी अपने 400 मिलियन वर्षों के जीवन के दौरान 5 प्रमुख सामूहिक विलुप्ति का अनुभव कर चुकी है, जिनमें सबसे पहली सामूहिक विलुप्ति लगभग 445 मिलियन वर्ष पहले हुए ऑर्डोविशियन मास एक्सटिंक्शन ने धरती पर मौजूद सभी प्रजातियों में से लगभग 85% को विलुप्त कर दिया। उसके बाद दूसरी सामूहिक विलुप्ति लगभग 375 मिलियन वर्ष पूर्व में हुए डेवोनियन मास एक्सटिंक्शन ने दुनिया के लगभग 75% प्रजातियों का सर्वनाश कर दिया। इतिहास का सबसे विध्वंसक तीसरी सामूहिक विलुप्ति लगभग 250 मिलियन वर्ष पूर्व हुए परमियन मास एक्सटिंक्शन, जिसे ग्रेट डाइंग के रूप में भी जाना जाता है, जिसके कारण धरती पर मौजूद सभी प्रजातियों में से 95% से अधिक विलुप्त हो गई। चौथी सामूहिक विलुप्ति लगभग 200 मिलियन वर्ष पूर्व हुए ट्राइसिक मास एक्सटिंक्शन ने कुछ डायनासोर सहित धरती पर मौजूद लगभग 80% प्रजातियों को विलुप्त कर दिया। लेकिन आज हम जिस सामूहिक विलुप्ति यानी कि जिस मास एक्सटिंक्शन के बारे में बात करने जा रहे हैं, वो पांचवीं सामूहिक विलुप्ति है। और ये इतिहास की सबसे विध्वंसक सामूहिक विलुप्ति थी, जो लगभग 65 मिलियन वर्ष पूर्व में हुए क्रिटेशियस मास एक्सटिंक्शन ने गैर एवियन डायनासोर को विलुप्त कर दिया। ये पृथ्वी पर वही उल्कापिंड द्वारा आकाशीय महाविध्वंसक घटना थी, जिसने पृथ्वी पर लगभग 160 मिलियन वर्षों तक राज करने वाले डायनासोरों की पूरी आबादी को कुछ ही दिनों में खत्म कर दिया। परंतु इसका प्रभाव न केवल गतिशील प्राणियों पर ही हुआ, इसका वनस्पति जीवन पर भी बहुत गहरा प्रभाव पड़ा, जो उस समय की परिस्थिति के अनुसार बहुत विनाशकारी था। कहीं न कहीं इसी वनस्पति जीवन को हुई क्षति के कारण आज हम इंसान खुली हवा में सांस ले रहे हैं। हम बात कर रहे हैं आज से 67 मिलियन साल पहले, जब उल्कापिंड पृथ्वी से नहीं टकराया था, और उस समय जिस तरह से धरती पर डायनासोरों का राज हुआ करता था, ठीक उसी तरह उस दौर में अमेज़न के जंगल वाले इलाके में शंकुधारी यानी कोणधारी कॉनिफर जैसे पेड़ों की प्रजातियां उगा करती थीं, और उन इलाकों में इनका ही दबदबा था। जिन दोस्तों को नहीं मालूम कि शंकुधारी यानी कि कॉनिफर वास्तव में क्या होता है, शंकुधारी वृक्षों की एक ऐसी प्रजाति है जो ठंडे या कम गर्म क्षेत्रों में पनपते हैं और इन पर कोण या शंकु उगाते हैं। इन्हीं कोण या शंकु की वजह से इन पेड़ों का जनन होता है। ऐसे पेड़ हमेशा लंबाई में बहुत ऊंचे होते हैं और पत्ते भी चपटे होने की अपेक्षा लंबी तीलियों जैसे होते हैं, जिनके कारण उनका फैलाव कम होता है। इन पेड़ों का वैज्ञानिक नाम पाइनोफाइटा, कॉनिफेरोफाइटा या कॉनिफोरे है। चीड़ यानी कि पाइन, तालिसपत्र और देवदार के पेड़ इसी शंकुधारी पेड़ों की श्रेणी का उदाहरण है। यदि हम डिटेल में देखें तो ये जिम्नोस्पर्म की श्रेणी में आते हैं। तब पांचवीं सामूहिक विलुप्ति से पहले उस समय के अमेज़न वाले क्षेत्र में पेड़ों की पत्तियों में इतना घनत्व वाले नहीं हुआ करता था, जिसके कारण सूरज की रोशनी सीधे जमीनी स्तर पर पहुंचती थी, जिससे जिम्नोस्पर्म को बढ़ने के लिए अधिक अनुकूल वातावरण मिल गया। जिम्नोस्पर्म यानी कि अनावृत बीजी की वृद्धि के लिए विशाल वातावरण अत्यधिक महत्वपूर्ण होता है। यही कारण है कि वो हमेशा सघन घनत्व वाले पौधे यानी एंजियोस्पर्म को दबाए रखते थे। ऊपर से डायनासोर की उपस्थिति में अगर कभी ऐसा मौका आया भी
कि एंजियोस्पर्म को डोमिनेट करने का मौका उन्हें मिला हो, तो उन विशालकाय जीवों की उपस्थिति में ऐसा कभी संभव हो ही नहीं पाया, क्योंकि कारण साफ था। जब भी सघन घनत्व वाले पेड़ पौधे उगने लगते तो शाकाहारी डायनासोर का आहार बन जाता, जिसके कारण उन्हें ना तो बढ़ने के लिए जरूरी समय मिलता और न ही अनुकूल वातावरण। लेकिन ये सारी परिस्थितियां अचानक तब बदल गईं, जब 12 किलोमीटर चौड़ाई वाला एक उल्कापिंड पृथ्वी पर आ टकराया, क्योंकि जैसे ही ये उल्कापिंड पृथ्वी की सतह से टकराते ही पूरी दुनिया में विकिरण और धूल की ऐसी सुनामी आई जो जीवन की शुरुआत के बाद से लगभग कोई भी जीवित प्राणी कभी भी ऐसा अनुभव नहीं किया होगा। शॉक वेव की वजह से समुद्र में बड़ी बड़ी लहरें उठीं और एक के बाद एक सुनामी की लहरें चारों ओर बढ़ने लगीं और सभी ज्वालामुखियां सक्रिय हो गए। इसके साथ ही हर जगह डायनासोरों का विनाश शुरू हो गया। वहीं दूसरी तरफ उड़ती धूल के कारण धरती के कई कोनों में धूल की इतनी मोटी परत जमा हो गई कि कई सालों तक सूरज की किरणें इन इलाकों तक नहीं पहुंच पाईं, और इन विनाशकारी घटनाओं के परिणाम स्वरूप धरती की सतह पर मौजूद 75% आबादी नष्ट हो गई और 40% वनस्पति जीवन भी हमेशा के लिए विलुप्त हो गया। इस महाविनाशक प्रलय के प्रभावों के रुक जाने के कई हजारों साल बाद धूल के बादल छटने लगे, वहीं दूसरी ओर पृथ्वी पर फिर एक बार वातावरण सामान्य होने लगा। फिर से पृथ्वी का इकोसिस्टम अपनी पुरानी अवस्था में लौटने लगा, तो इस धरती ने कई रोमांचक बदलावों को अपने सामने देखना शुरू किया। जैसे डायनासोर के अंत के बाद धरती स्तनधारी जीव यानी कि मैमल्स का वर्चस्व स्थापित हो गया, जहां एक तरफ जीवन फिर से पनप रहा था, वहीं दूसरी तरफ एक क्षेत्र ऐसा भी था जहां एक नए स्वरूप की शुरुआत हो रही थी, और ये वही क्षेत्र था जहां आज अमेजन के जंगल हैं। ये वही क्षेत्र है जहां उल्कापिंड के टकराव से पहले शंकुधारी यानी कॉनिफर्स जैसे जाइनोस्पर्म पेड़ों का प्रभुत्व था। लेकिन उल्कापिंड के टकराव के बाद इस क्षेत्र में वनस्पति जीवन बुरी तरह ध्वस्त हो गया। यही कारण है कि इस विशाल जंगल में लगभग 60% पौधे या सरल शब्दों में आधे से अधिक शंकुधारी नष्ट हो गए और सब कुछ फिर से शुरू होने लगा था, क्योंकि इस बार ना तो घनी झाड़ियों को खाने वाले डायनासोर बचे थे और ना ही पहले जैसी पर्यावरणीय स्थितियां, जिनके कारण वातावरण पूरी तरह से निष्पक्ष और लोकतांत्रिक हो गया। और यह एक सुनहरा अवसर था जहां जाइम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म के बीच इस लड़ाई में कोई भी बाजी पलट सकता था, लेकिन शायद प्रकृति एंजियोस्पर्म पौधों के पक्ष में अधिक थी। इसका कारण यह था कि प्रारंभ में जब धीरे धीरे आसमान खुलने लगा तो सूर्य की किरणों की उतनी मात्रा में उस जगह पर नहीं पहुंच पा रही थी जितनी पहले के दौर में पहुंचा करती थी। और कुछ जीव वैज्ञानिकों का कहना है कि जाइम्नोस्पर्म को एंजियोस्पर्म की तुलना में अधिक प्रकाश की आवश्यकता पड़ती थी। जब यह स्थिति बदली तो सूर्य के प्रकाश के अभाव में घने एंजियोस्पर्म प्रजाति के पेड़ों को बढ़ने का मौका मिला, और इस अवसर का लाभ उठाते हुए वो सभी तेजी से पनपने लगे, और कुछ ही वर्षों में उन्होंने इस पूरे क्षेत्र पर अपना प्रभुत्व हासिल कर लिया। यहां तक कि जब कुछ वर्षों बाद स्थितियां सामान्य हो गईं और पर्यावरण ठीक पहले की तरह बन गया, तब भी जाइम्नोस्पर्म अपने पिछले प्रभुत्व को फिर हासिल नहीं कर पाए। और इसके मुख्य दो कारण थे। पहला ये था कि एंजियोस्पर्म जाइनोस्पर्म की तुलना में अधिक जगह घेरते हैं, जिसका मतलब यह है कि एंजियोस्पर्म द्वारा बहुत अधिक जगह घेरने के बाद जंगलों के बीच इतनी खाली जगह नहीं बचती कि जाइम्नोस्पर्म पनप सके, और आखिरकार वो पहले की तरह अपना साम्राज्य स्थापित नहीं कर सका। और इसका दूसरा कारण एंजियोस्पर्म पौधों का घनत्व है। जैसे कि हमने पहले कहा था कि जाइम्नोस्पर्म को एंजियोस्पर्म की तुलना में अधिक सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है, लेकिन जब वनों का घनत्व बढ़ गया तो जमीन तक पहुंचने वाली सूरज की रोशनी की मात्रा उतनी नहीं थी जितनी कि जाइम्नोस्पर्म के बढ़ने के लिए चाहिए थी। ये एक महत्वपूर्ण कारण था कि परिस्थितियां करोड़ों वर्ष पहले जैसी नहीं हो सकी। इसके अलावा कई वर्षों तक डायनासोर जैसा कोई भी बड़ा और अत्यधिक खाने वाले जीव पृथ्वी पर दिखाई नहीं दिए, इसलिए एंजियोस्पर्म के प्रभुत्व को रोकने वाला कोई भी जीव कई वर्षों तक पृथ्वी पर मौजूद नहीं हो सका। और इस समय तक एंजियोस्पर्म का प्रभुत्व इतना बढ़ गया था
कि ये आज भी दुनिया का सबसे बड़ा वर्षा वन जंगल है, जो अमेज़न रेन फॉरेस्ट के नाम से विश्व विख्यात है। हालांकि हम इंसान अपने स्वार्थ के लिए डेवलपमेंट के नाम पर ब्राजील के अमेज़न रेन फॉरेस्ट को बर्बाद करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं, जिसे मौजूदा समय का छठा मास एक्सटिंक्शन यानी कि छठा सामूहिक विलुप्ति सिक्स्थ मास एक्सटिंक्शन कहा जा रहा है, जो निरंतर हो रहे दोहन के रूप में जारी है। हाल ही के दिनों में अमेज़न रेन फॉरेस्ट में हो रहे पेड़ों की कटाई डिफॉरेस्टेशन रेट का एक नया रिकॉर्ड बना रहा है और आंकड़े इतने चौंकाने वाले हैं कि हम इंसानों ने कुछ ही वर्षों में अमेज़न के लगभग 17% जंगलों को नष्ट कर दिया है। ऐसे ही यह भयावह आंकड़ा इसी तरह बढ़ता रहा तो यकीन मानिए हमारे पास सांस लेने के लिए हवा नहीं बचेगी, क्योंकि दुनिया की लगभग 20% ऑक्सीजन आपूर्ति केवल अमेज़न वर्षावन द्वारा प्रदान की जाती है। आप खुद जरा सोचिए, यदि वह 20% ऑक्सीजन हमेशा के लिए गायब हो जाए तो हम इंसानों को सांस लेने के लिए पर्याप्त ऑक्सीजन कहां से मिलेगा। याद करिए कोरोना का वो दिन जब लोग ऑक्सीजन के लिए लाइन में धक्के खा रहे थे, जबकि ऑक्सीजन आपूर्ति पर्याप्त नहीं थी, फिर भी लाइन में इस उम्मीद से लगे थे कि कुछ ऑक्सीजन तो मिल जाए। हाल ही में प्रकाशित एक अध्ययन में कहा गया है कि अमेज़न वर्षा वन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा वर्ष 2000 के दशक की शुरुआत से एक टिपिंग पॉइंट की ओर बढ़ रहा है। ये सूखे या आग जैसी चरम घटनाओं से उभरने की क्षमता खो सकता है, जिससे शुष्क सावाना जैसा पारिस्थितिक तंत्र में बदलने का खतरा हो सकता है, क्योंकि हर साल बढ़ता हुआ कार्बन एमिशन रेट इसी ओर इशारा कर रहा है बिना किसी संशय के। इसलिए यदि हम कार्बन के बढ़ते स्तर को नहीं रोक सकते हैं तो हमें वातावरण में ऑक्सीजन मात्रा को इतना बढ़ाना चाहिए कि हमें इस जीवनदायी गैस के बारे में कभी चिंता ना करनी पड़े। इसलिए मेरे दोस्तों, आप सभी को अपने लेवल पर अधिक से अधिक पेड़ लगाने और पर्यावरण को बचाने में अपना अपना योगदान देने के लिए अपील करते हैं। दोस्तों, इस अमेज़न वर्षा वनों को बचाने के लिए सरकारों को क्या कदम उठाने चाहिए, प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने सीखने का मौका मिला हो या फिर इंटरेस्टिंग लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों और फैमिली के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन जरूर कीजिएगा, ताकि हमारे आने वाले हर वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सकें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।